नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 6,395 कोविड मामले सामने आए, 33 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। श्रीनगर से गांधरबल तक वाटर स्पोर्ट्स का पुनरुद्धार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली को झंडा दिखाकर किया रवाना। डीएसपी अयूब पंडित की हत्या के 17 आरोपियों को जमानत, 2017 में जमा मस्जिद के बाहर हुई थी घटना। कटरा में लगे भूकंप के झटके, रेक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता। आज कला केंद्र में लगा रोजगार मेला, 30 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर के हाजिक परवेज नीट परीक्षा में 10वें स्थान पर, प्रदेश में किया टॉप। गुपकर गठबंधन के खिलाफ आक्रमण रणनीति अपनाएंगे भाजपा, 10 को होगी प्रदेश स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर में लगे स्मार्ट मीटर, 21 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य सरकार। आखिर पर मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर में आज मौसम साफ देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है। बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 16.8 और जम्मू का 25.1 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।